हेलो दोस्तों, मैं अशोक आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल ट्रांसपोर्ट अड्डा पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नई निसान मैग्नाइट के बारे में। हाँ जी दोस्तों, निसान मैग्नाइट जो कि नई कॉम्पैक्ट एसयूवी है, जो कि काफ़ी कम कीमत में काफ़ी ज़्यादा शानदार फीचर्स आपको देगी, और इस गाड़ी की सीधी सीधी टक्कर हुंडई वेन्यू से होगी। आइए दोस्तों, जानते हैं नई निसान मैग्नाइट के बारे में। तो दोस्तों, भारतीय बाज़ार में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है, और इस सेगमेंट में जापानी वाहन निर्माता कंपनी निसान अपनी नई कॉम्पैक्ट एसयूवी मैग्नाइट को भारतीय बाज़ार में उतारने की तैयारी में है। लॉन्च से पहले ही दोस्तों, इस एसयूवी से जुड़े कुछ खास बातें सामने आई है, जिससे साफ यह हो रहा है कि बाज़ार में इस एसयूवी की टक्कर सीधे तौर पर हुंडई वेन्यू से होगी। तो दोस्तों, ऑटोकार में छपी रिपोर्ट के अनुसार नई निसान मैग्नाइट को कंपनी CMF A+ प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, और इसी प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके रेनॉल्ट ट्राइबर के निर्माण के लिए भी किया गया था। साथ ही दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको यह भी बताना चाहूँगा कि ग्लोबल मार्केट में निसान और रेनो एक साथ मिलकर काम करती है। हालांकि निसान मैग्नाइट में कंपनी 5 सीट्स देगी। जहाँ तक इसके डिज़ाइन की बात है, तो कंपनी से खास क्रॉसओवर लुक प्रदान करेगी, जो कि LED लाइटिंग से लैस होगी। इसके एक्सटीरियर की अगर बात की जाए, तो इसके अलावा कंपनी इस SUV को ड्यूअल टोन पेंट स्कीम के साथ ही इसमें फॉक्स किट प्लेट को भी शामिल कर सकती है, जो कि इसे खास स्पोर्टी लुक प्रदान करेगी। इसमें आपको प्रीमियम डिज़ाइन का अलॉय व्हील भी दिया जा सकता है। तो साथ ही दोस्तों, कुछ का मानना है कि निसान मैग्नाइट के मार्केट में टक्कर मारुति ब्रेजा, हुंडई वेन्यू और टाटा नेक्सॉन जैसी गाड़ियों से भी होगी। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया दोस्तों कि निसान मैग्नाइट अपने सेगमेंट की सबसे सस्ती SUV होगी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में 5 बड़ी बातें। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इस गाड़ी के लुक की। तो इस गाड़ी का एक यूनिक लुक होगा। मैग्नाइट को मार्केट में मौजूद अन्य कॉम्पैक्ट SUV से अलग बनाने के लिए निसान इसे यूनिक डिज़ाइन में पेश करेगा, और इसकी स्टाइलिंग क्रॉसओवर जैसी होगी, जिसके साथ आपको चंकी व्हील आर्च इसे बोल्ड लुक देंगे। LED हेडलाइट और टेल लाइट, ड्यूअल टोन बॉडी पेंट और प्रीमियम अलॉय व्हील्स इसके लुक को शानदार बनाएंगे। दूसरा दोस्तों, यह गाड़ी निसान मैग्नाइट सिर्फ पेट्रोल इंजन में आएगी। इसमें डीजल इंजन का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। SUV के लोअर वेरिएंट्स में आपको 72 HP की पावर और 96 Nm का टॉर्क जनरेट मिलेगा, जो कि 1.0 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ आएगी। यही सेम इंजन दोस्तों आपको रेनो ट्राइबर में देखने को मिलेगा। इस इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड मिलेगा। AMT का ऑप्शन भी इसके साथ मिलने की उम्मीद है। इसके हायर वेरिएंट्स में 95 HP पावर वाला नया 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जिसके साथ 5-स्पीड मैनुअल और CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन आपको मिलेंगे। इसके फीचर्स की बात की जाए, तो ये सब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में कड़ी कंपटीशन को देखते हुए दोस्तों कंपनी से काफ़ी ज़्यादा शानदार फीचर देगी। इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा जैसे कुछ फीचर एक सेगमेंट ऊपर की SUV वाले होंगे। मैग्नाइट में आपको कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, बड़ी टच स्क्रीन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और स्टेयरिंग माउंटेन कंट्रोल जैसे फीचर मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, ये सेगमेंट की सबसे सस्ती SUV होगी। मैग्नाइट अपने सेगमेंट की सबसे सस्ती SUV हो सकती है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि निसान मैग्नाइट की शुरुआती कीमत 5,25,000 रुपये के आसपास होगी। इतना ही नहीं दोस्तों, CVT गियरबॉक्स के साथ टर्बो पेट्रोल इंजन वाले मॉडल की शुरुआती कीमत भी 6 लाख रुपए से कम रहने की उम्मीद है। तो प्रतिस्पर्धी कीमत के चलते मैग्नाइट अपने सेगमेंट की दूसरी SUV को टक्कर दे सकती है। मारुति ब्रेजा की कीमत 7,34,000 से 11,15,000 रुपये है। हुंडई वेन्यू पेट्रोल की कीमत 6,70,000 से 11,35,000 रुपये है, और नेक्सॉन की कीमत 6,95,000 से 11,20,000 रुपये के बीच है। दोस्तों, कब यह गाड़ी लॉन्च होगी? तो निसान मैग्नाइट SUV को इस साल अगस्त में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। हालांकि इसकी जो लॉन्चिंग डेट है, कोरोना वायरस की स्थिति पर डिपेंड करेगी। तो दोस्तों, ये थी निसान की मैग्नाइट। निसान मैग्नाइट, ये गाड़ी आपको कैसे लगी, इसके फीचर्स आपको कैसे लगे, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही यह वीडियो अगर आपको पसंद आती है, तो इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल ट्रांसपोर्ट अड्डा को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग ट्रांसपोर्ट अड्डा।